इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, प्रॉब्ली इस एचबीएल पीएसएल की सबसे अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली, इसलिए कि ये बैटिंग पिचेस हैं यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में, और इस तरह से बॉलिंग करनी जैसे कि फहीम ने की है, इस साल की बेस्ट बॉलिंग, माइजरले भी थे, इकोनॉमिकल थे, विकेट्स ली, और प्लान बड़ा सिंपल था कि विकेटों में गेंद करना है, ब्लॉक करने हैं रन्स, मगर उसके बाद एग्जीक्यूशन करनी वो बहुत बड़ी बात थी। फील्डिंग लाजवाब थी, एक आधा मिसहैप हुआ फील्ड में, बट ओवरऑल एनर्जी दिखी, एक यंग टीम है, और इसकी झलक हमें पता चली आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि आगे चल के ये किस तरह से टीम्स को स्किटल कर सकते हैं और किस तरह से पीछे से आके फेवरेट्स को हरा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी है इस टीम में, यंग कैप्टन है और जान लगाते हैं। हसन अली की फॉर्म शानदार चल रही है, उन्होंने भी बहुत आला बॉलिंग की, क्योंकि जब आप वेरियस लेंग्स पे वेरियस पेस के ऊपर कंट्रोल दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, और आज हसनैन ने 94 माइल्स एन आर का बॉल भी किया, लाजवाब तेज बॉलिंग भी दिखने को मिली, स्टर्लिंग की शानदार बैटिंग। सो ओवरऑल मैच तो हालांकि वन साइडेड हो गया था, मगर बहुत सारे इस मैच में इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हुई। मैं समझता हूँ कि जाहिद को ज़्यादा इस्तेमाल एग्रेसिवली करना है सरफराज ने, उन्होंने भी बहुत आला बैटिंग की बाय द वे, और उनको थोड़ा जैसे मैंने पहले बात की कि जरा धीरे मिजाज से कप्तानी करनी है, क्योंकि खास तौर पे यंग लेग स्पिनर आया है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, सो इनको बनाना है, और अगर इन पे आप प्रेशर रखेंगे तो ये फिर इस एनवायरनमेंट से भाग जाएंगे और आप इनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सो अगर आपको एक आउटस्टैंडिंग आर्टिकल टैलेंट मिला है तो उसके साथ काम कीजिए, क्योंकि लेग स्पिनर्स जो हैं ये रन्स भी देते हैं, मगर अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे एज योर विकेट टेकिंग ऑप्शन तो फिर आप पॉजिटिवली या पॉजिटिव तरह से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सरफराज को समझना है कि पाकिस्तान के कैनवस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जाहिद को अच्छी तरह से हैंडल किया जाए और इनके साथ काम किया जाए और थोड़ी कामनेस दिखाएं, क्योंकि इमरान खान के नीचे हम दो लेग स्पिनर्स को खिलाते थे, मुश्ताक और अब्दुल कादिर को, क्योंकि उनको पता था ये दोनों रन्स देंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे मैच विनर भी साबित हो गए, क्योंकि रिस्ट स्पिन से आपको विकेट्स मिलती हैं। सो ये थोड़ी सी ताकीद है, ओवरऑल सरफराज की डिसअपॉइंटमेंट अब झलकनी शुरू होगी, चार मैच चारों हार गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, इनको चेंजेस करनी और ड्रामेटिक चेंजेस करनी। आई थिंक डेल स्टेन का जो रोल है इनकी टीम में वो एक अब उस्ताद का भी होना चाहिए, उनको बॉलिंग हडल को लीड करना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस है और वो खुद से क्रंच मोमेंट्स पे आके उनको बॉल लेके बॉलिंग करनी चाहिए और एक प्लान सेट करना चाहिए फॉर द अदर बॉलर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन्स लीक करती है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग, पिछले दो सालों में इनका रिकॉर्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ख़राब है। सो यहाँ पे काम हो सकता है, इसी तरह से बैटिंग ठीक चलनी है, सरफराज अकेले तने तना मैचेस नहीं जितवा सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो कि गौर करने वाली हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, मगर आज मेला लूटा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, टेरिफिक आउटस्टैंडिंग कम्प्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखने को मिली इनकी तरफ से।